मैं शिवाजी राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर ये 84 के बैच के आइए और जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण तीन, पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन अपने अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रुथ। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन एक घंटे में, अगले एक घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। अब तक का सेल्स टैक्स कलेक्शन कितना हुआ होगा बंसल साहब? कुबेर के खजाने में भी एक दिन में इतना धन नहीं आया होगा, 250 करोड़। फैंटास्टिक। ये सारा पैसा तुकाराम जैसे झोपड़पट्टी वालों के रोजगार योजना में लगा दीजिए, जैसी जिसकी काबिलियत पैसा उसको काम। ग्रेट आइडिया सर। बंसल साहब, हमने जो लिस्ट बोली थी बनी? हाँ सर, ये पूरा पोथा बना है, जिला के हिसाब से, तालुका के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, कौन कौन बनाए करोड़पति सबके नाम है। ये वो है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, ये वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और ये वो है जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर 45,518 लोग हैं। सबको सस्पेंड करो। लेकिन सर, ये इतने सारे सस्पेंशन ऑर्डर्स पर साइन करते करते तो रात के 12 बज जाएंगे। तो एक ओमनीबस ऑर्डर जारी कर दो, इंटरनेट पे डाल दो, एग्जाम्स के रिजल्ट्स की तरह नोटिस बोर्ड पर चिपका दो। उनको सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर्स को ऑर्डर मैं दूंगा। लेकिन इनमें कुछ कलेक्टर्स के नाम भी हैं। उनके सस्पेंशन ऑर्डर पर आप साइन कर दीजिए। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट पर है तो उस पर दस्तखत मैं कर देता हूँ। सर 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 सर, मेरी सिर्फ जबान लंबी है, हाथ बिल्कुल साफ है सर। लेकिन इन लोगों को इस तरह की धांधलबाजी करने की हिम्मत कहाँ से आती है? मंत्रियों से सर, सब मिल बांट कर जो खाते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर शामिल है इसमें? कौन नहीं है? फूड, हाउसिंग, रेवेन्यू, फिनांस, पीडब्ल्यूडी, कुल मिलाकर 12 बागड़ बिल्ले हैं। इन बागड़ बिल्लों को क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो। आपके 12 मिनिस्टर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत है मेरे पास। माफ करना, उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सारा किसी को हाथ लगाए तो हाथ काट के समंदर में फेंक दूंगा, समझा? नहीं, इतना आसान नहीं है। सारे जर्नलिस्ट देख रहे हैं, इनसे कहिए कि कोऑपरेट करें प्लीज। एक दिन में ना तो मैंने कोई तीर मारा है ना कोई सेवा की, सिर्फ वही किया जो एक चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। यही काम पिछले 5 साल में अगर आपने किया होता तो हमारा स्टेट कहां से कहां पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा एक दिन पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अभी 5 मिनट बाकी है और एक आखिरी काम बाकी है। आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की असली जड़ आप हैं, उनके करप्शन में आपका अहम हिस्सा है, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपने लिस्ट में था ही नहीं। बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते। एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ बेवड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो। उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं, पर आप एक आम आदमी हैं। आई हैव द पावर टू अरेस्ट यू। गिरफ्तार कर लीजिए।
वकील लोग। वकील निकम्मो, मुझे यहां से बाहर कब निकालोगे? सुबह होते ही मुझे ले जाकर जेल में ढकेल देंगे। जल्दी कुछ करो। डोंट वरी सर, जमानत का इंतजाम हो गया है। आप सिर्फ इस पर दस्तखत कर दीजिए, हम सीधा मैजिस्ट्रेट के घर जाकर बेल ऑर्डर ले आएंगे। और सुनो, उस कमबख्त ने एक दिन का सीएम बनकर जो भी ऑर्डर जारी किए हैं, उन सब पर स्टे ऑर्डर चाहिए मुझे। यस सर। मैं एक ऑर्डिनेंस पास करूंगा जिससे वो सब ऑर्डर्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे, कुछ भी लागू नहीं होगा। ओके सर, मैं चलूं। चल नहीं, भाग। ए बंसल के बच्चे, फंस गया। कहां छिप रहे हो तुम? नहीं सर, छुप नहीं रहा था सर, ऐसे ही कोने में खड़ा था। इधर आओ। सर, आपको इस हालत में देखकर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, इसलिए कोने में खड़े रहकर मैं रो रहा था। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? उसके साथ रहकर तुम्ही ने उसे सब कुछ सिखाया था ना। आपकी कुर्सी की कसम सर। सर, एक तो आप ही ने उसको सीएम बना, अब मेरी तो नौकरी है ना सीएम के साथ रहने की, इसलिए मैं तो ऐसे ही घूम रहा था दिखावे के लिए। अब वो साला अंगूठा छाप होता ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये साला पढ़ा लिखा निकला, ऊपर से दिमाग वाला भी, एक दिन में सब समझ गया। ये दो तरफा खेल मेरे साथ मत खेलो। ये मत भूलो कि कल सुबह होते ही मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ। अरे नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ मत करना सर, मुझे माफ कर देना, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, मुझे माफ कर देना प्लीज। आप बोलो तो उसके मुंह पे मैं एसिड फेंकवा दूं। जाने दो, छोड़ दिया उसे। नहीं सर, नहीं, आपके खिलाफ आवाज उठाइए, उसका कुछ तो करना चाहिए ना। मैं क्या बोलता हूँ, हाथ पैर तुड़वा दूं। ये क्या दादा, एक आदमी ने उस दिन आपको नाखून मारा तो आपने उसका हाथ तोड़ दिया था, और आज सरामखोर ने पूरा का पूरा पंजा मारा चेहरे के ऊपर और आपने उसे छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ दिया, माफ नहीं किया। उस लौंडे ने मेरी 30 साल की राजनीति पर कालिक पोत दी है। एक दिन में उसने जो कर दिखाया है उसके लिए उसका अभिषेक होना चाहिए, दूध से, शहद से, खून से। जैसे उनकी सहयोगी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और चौहान सरकार का पतन हो गया है, राज्य में फिर से चुनाव की घोषणा। शिवाजी राव। किस लिए भैया? जिससे भी पूछो उसके मुंह में तुम्हारा ही नाम है। शिवाजी राव, अब तो तुम्हें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। नमस्कार, मुझे आप लोगों से यह उम्मीद है कि जो काम मैंने एक दिन में करने की कोशिश की थी उसे हम और आप मिलकर हमेशा करेंगे। टू डू दैट मोर इफेक्टिवली मैंने हर डिपार्टमेंट में 2-2 मंत्रियों को अपॉइंट किया है, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान। हमारे देश में हर चीज के लिए कायदे कानून है लेकिन उन पर अमल नहीं था, जिसकी वजह से जहां देखो घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी हालत में हम कुछ भी करें, कैसी भी सरकार चलाएं, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कहां क्या गलत हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ताकि हम गिल्टी को सजा दे सके और गलतियां सुधार सके। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, कंप्लेन बॉक्स। सर, वो फैसिलिटी तो ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में है। अगर है तो गलतियां क्यों हो रही, क्योंकि ये सब लोगों की पहुंच में नहीं। लेकिन हमारी सरकार में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, शिकायत विभाग, जो सीधा मेरी निगरानी में होगा, मेरे अंडर होगा। ये कंप्लेन बॉक्स स्टेट के हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर होगा। पानी आए ना आए या लाइट ना चले, सड़क पर खड्डे हो या सड़क ही ना हो, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स या कोई भी सरकारी नौकर रिश्वत लेता हो, यहां तक कि मैंने भी कोई गलती की हो, तो बिना डरे शिकायत लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक हफ्ते के अंदर उसे हल कर दिया जाएगा। और जिस दिन धीरे धीरे शिकायतें कम होकर एक कंप्लेन बॉक्स खाली मिलेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है।
यहां क्यों बुला लिया? देखो, मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बनाऊं, ना ही तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। लाखों लोग चलकर मेरे घर पर आए, मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया, ये सोचकर कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तुम मेरे बीच में आ रहे हो। मैं कहां बीच में आ रहा हूं, मुझे तो तुमने घर पे बिठा रखा है। हाँ हाँ, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जितना दिमाग, जितने पैसे, जितने लोग खर्च करते हो, उसका 1% भी लोगों की भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज तुम यहां बैठे होते और मैं घर में खुश होता। जब देखो हड़ताल, दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, मैं अपना काम करूं या बम ढूंढता फिरूं? अरे यार, तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बिठाओ, अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैंने तुम्हें रोका है क्या? तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतनी जल्दी हार मान गए? कौन जीता और कौन हारा ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बेटा, 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं। अभी तुम्हारे पास आया हूं तो दुनिया भर को मालूम है कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेला बैठा हूं। मुझे मारकर तुम भी बच नहीं सकोगे। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा। ये गोली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। मुझे बेवकूफ बनाया।